नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर जनता का क्या होगा। कुछ ऐसा ही मामला रीवा के केंद्रीय जेल से सामने आ रहा है, जहां एक पुलिस कर्मी को उसके ही उच्च अधिकारियों के कहने पर कैदियों के द्वारा मारा पीटा गया है। जानकारी के अनुसार जेलर रविशंकर सिंह अपने ही कर्मचारी के ऊपर उस समय टूट पड़े जब कर्मचारी ने कहा कि साहब अश्लील गालियां ना दी। पीड़ित अक्षय सिंह चंदेल केंद्रीय जेल में लगभग 2.5 वर्ष से प्रहरी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पीड़ित अक्षय सिंह ने बातचीत करते हुए बताया कि सुबह में अपनी ड्यूटी पर थे, तभी यह छोटी सी गलती मेरे से हो गई, जिसकी जानकारी मैंने अपने अधिकारी रविशंकर सिंह को दिया और अपनी गलती भी माना। लेकिन जेलर साहब ने मेरी एक बात नहीं सुनी, हमें गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। तब मैंने निवेदन किया कि साहब हमारी अगर गलती है तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करें, हमें सस्पेंड कर दें या बर्खास्त कर दें, कैदियों के सामने इस तरह से गालियां ना दें। जैसे ही मैंने इतना बोला, जेलर साहब मेरे से लिपट गए और लात घूसों से मेरी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वहां पर खड़े बंदियों से भी बोले कि इसको साले को मारो। हमें काफ़ी टाइम तक अंदर ही बैठाए रखा गया और मारपीट करते रहे। मारपीट से हमारे गर्दन पर, सीने पर और सिर पर चोटें आई हैं, जिसकी जानकारी मैंने जेल अधीक्षक को लिखित तौर पर दी है। उसके बाद रीवा एसपी से मिलकर अपनी बात कहनी चाही, लेकिन उनके ना मिलने से एडिशनल एसपी शिव वर्मा के सामने मैंने अपनी पूरी बात रखी और उचित कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन सुबह से शाम हो गई, हमारी मांगों को किसी अधिकारी द्वारा गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जेलर साहब को ऐसा क्या हो गया था कि भरे बंदियों के सामने अपने ही कर्मचारी को बुरी तरह से पीट दिया। क्या उनके कानून में ऐसा कुछ लिखा है कि स्टाफ का कोई व्यक्ति गलती करे तो उसे गालियां मार देना ही उचित होगा। यह बड़ा सवाल है। अब यह देखना है कि पुलिस के उच्च अधिकारी का इस मामले को लेकर के कितनी गंभीरता है और किस तरह से कार्रवाई की जाती है। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। अक्षय सिंह चंदेल, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी? आप अमैया थाना में खड़े हैं जी। मैं यहाँ शिकायत करने आया हूँ अपने केंद्रीय जेल रीवा में। मैं पदस्थ हूँ। अच्छा, आप केंद्रीय जेल में? जी, केंद्रीय जेल रीवा में प्रहरी के पद पर पदस्थ हूँ। और आज सुबह मैं लॉकअप खुलवाने के लिए मतलब ड्यूटी पर गया था 6 बजे। उसी टाइम उप जेल अधीक्षक हमारे रविशंकर सिंह जी, हाँ। तो वो आए और खैरियत जैसे नॉर्मली रोज होता है, तो उसी तरह से हम लोगों को से खैरियत ले रहे थे। तो रात को माइनर मिस्टेक थी कि 57 की जगह लॉकअप में 58 और 58 की जगह 57 हो गया था। तो वही चीज़ मैंने सुबह बोली उनको कि सर मेरी गलती से हुआ है ये। तो वो पहले का भी सारा कुछ मेरे ऊपर ब्लेम डालने लगे कि तू वैसा करता है। और फिर मैंने इसका विरोध किया कि सर तू तड़ाके से आप इस तरह से मत बोले, क्योंकि 1800 बंदी वहाँ पर खड़े हैं, वो हमारी क्या इज्जत रहेगी उनके सामने। सर आपको जो कुछ करना है तो विभागीय कार्रवाई कीजिए, या जैसे कि मुझे सस्पेंड कीजिए, या जो भी काम कार्रवाई होती है वो करिए, लेकिन आप इस तरह से बोलेंगे तो हम अधिक देर तक सहन नहीं कर पाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है सर, क्योंकि काफ़ी सारे बंदी लोग खड़े हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो इस पर आवेश में आके उन्होंने मुझे गाली गलौज भी की और फिर बहुत सारी चीज़ें मुझ पर थोपने लगी कि तू ऐसा करता वैसा करता है। फिर उसके बाद हाथ मार चलाने लगे, मुझसे ज़बरदस्ती कागज़ में नोट लिखवाने लगे कि तू लिख, ऐसा लिख, मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करूँगा, तुझे सस्पेंड करूँगा, तुझे जेल भेजूँगा, इसी जेल में तू आएगा। और तमाम दुनिया का इधर उधर की गालियाँ माँ बहन की और उल्टी सीधी तरीके से ये सब गालियाँ दे रहे थे। और बंदियों के से भी बोल रहे थे कि मार इसको मार। और कई सारे बंदी डंडे वगैरह लेकर के आ गए थे, तो हमारे एक और सर हैं वहीं पर, तो उन्होंने रोका कि ऐसा नहीं कीजिए वरना बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस इतनी इसी की शिकायत करने में यहाँ आया। तो चोटें भी आपको आई हैं जी? कहाँ चोटें आई हैं? चोट यहाँ आई है मेरे गले में, कान में, ये काफ़ी इधर तक दर्द दे रहा है। अच्छा। और ये अभी सुबह 7 बजे की बात है, तो हो सकता है लालिमा चली गई हो। हाँ। लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है, शायद थोड़ा नीला हुआ या ये भी चोट मार की है। फिर उसके बाद ये भी कॉलर वाला पकड़ी है, इसका बटन भी टूट गया है। सूजन कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ कान के पीछे, ये पूरा दर्द दे रहा। कान ऐसे दबाते हैं तो दर्द देता है, क्योंकि मैं टोपा लगाया था सुबह। इसकी जानकारी आपने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को दिया जी? क्या बोले वो? दिया उन्होंने, वो बस वैसे ही
बोल रहे थे कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी करेंगे, ये गलत हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि सुबह की घटना है, अभी तक ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया। अभी तक नहीं, बस ये उनको अनुमति के तौर पर ये कागज़ दिया गया उनको कि सर हम FIR की अनुमति चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ज़्यादा विभाग में बदनामी होंगी इस टाइम, तरह से आश्वासन दे दिया कि हाँ करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये करने आया क्योंकि उनका रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि आज मारा है कल फिर मारेंगे, तो अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो हो सकता है कोई और प्रहरी भी उनका शिकार हो। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।